10 तारीख को करीब 2:45 पे थाना जगतपुरी में एक कॉल रिसीव होती है किडनैपिंग फॉर रैनसम की, कि कॉलर के जो फादर हैं उसको, उनको किडनैप कर लिया गया, उनसे फिरौती मांगी जा रही है और वो सुबह से मिसिंग है। इस पे तुरंत हमारी टीम जगतपुरी की थाने की टीम, इंस्पेक्टर सीएल मीना, एसीपी साहब और पूरी टीम और एडिशनल डीसीपी वन साहब कुशल साहब की टीम के नेतृत्व में इसमें मौके पे पहुंचते हैं। उनसे तुरंत उसकी लोकेशन ली जाती है, लास्ट लोकेशन, और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद करीब 70-80 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं आसपास से रूट बना के, और शाम को करीब एक ऐसी दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो सस्पेक्टेड पर्सन जो किडनैप्ड हुए हैं वो लास्ट सीन होते हैं। तो जब फुटेज को और देखा जाता है तो पता चलता है कि वो सिर्फ उन्होंने एंट्री करी है दुकान में और वो दुकान से बाहर नहीं निकले हैं, और उसमें एक सस्पेक्ट दिखाई दिया जाता है कि जो कि बाहर जाता है लॉक लगा के, लेकिन जो दूसरा आदमी है जो ये डिसीज्ड है हमारे कुलदीप जो कि 71 साल के हैं, ये उससे बाहर नहीं निकलते। दुकान का ताला तोड़ा जाता है इमीडिएटली, और ताला तोड़ने के बाद वहाँ पे एक डेड बॉडी रिकवर होती है जिसको बांधा हुआ होता है और मुंह भी स्कफल किया होता है, और इसमें तुरंत फिर हमारी टीम सस्पेक्ट की इंक्वायरी के लिए लग जाती है, और हमारी 6 टीमें लोकेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेजेस के बेसिस पे रोहतक जाती हैं, और रोहतक में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और सुबह एक्यूज्ड जो अमनदीप है 41 साल का इसको नैप कर लेती हैं, और फिर इसे स्कूटी जो कि उसने जो डिसीज्ड की स्कूटी है जो वहाँ खड़ी होती है जब वो दुकान में घुसता है उसको वो भी रिकवर कर ली है हमने, और जो मोबाइल फ़ोन जो एक्यूज्ड का है वो भी रिकवर कर लिया है। इसमें बेसिकली इनका मोटिव पैसे का लेन देन इनका मेन मोटिव था, ये डिसीज से पैसे मांग रहा था, इसकी एक दुकान है 33 साउथ अनारकली में तो उसको लेके इनका पैसे का लेन देन चल रहा था, वो बीच में इसको दुकान को बिकवाने में और जो डिसीज थे उनका हनी प्रॉपर्टीज़ करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था तो वो मीडिएट कर रहे थे इसमें, और ये इस जो हमारे एक्यूज को अमनदीप को जो कि 41 साल का है ये इसको पैसे की ज़रूरत थी तो इसने कॉल कर दी फिरौती की। इसको इस ये एक बार बीच में वहाँ पे उनके घर के आसपास भी गया था और इसको डर लगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो इसने इसमें गुमराह करने के लिए भी सब्सिक्वेंट कॉल की, हमने पुलिस को बता के अच्छा नहीं किया, शाम को भी इस तरह की कॉल की गई और ताकि पुलिस को गुमराह की, क्योंकि जब तक जो कंप्लेनेंट पार्टी हैं उनको पता नहीं था कि इसमें एक्यूज्ड कौन है। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई और इसमें हमने एक्यूज्ड को नैप कर लिया गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी जारी है। सर इसने जब कॉल किया था रैनसम के लिए 1 करोड़ की कॉल चुक ली, क्या उससे पहले मर्डर कर दिया था या तब तक इसमें जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, फैमिली को 1:12 पर कॉल आई थी, फैमिली ने पुलिस को 2:45 पर जो कॉल की थी तो जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है ये 1:40 पे के करीब वहाँ से दुकान को लॉक करके निकल जाता है, उसके बाद तो ये उसी 1:40 से पहले पहले ही घटना का अंजाम हो जाता है। तो मर्डर किया कैसे है? इसमें जो मर्डर है वो अभी जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन है वो पोस्टमार्टम के बाद ही आ पाएगी, अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो शुरुआती है तो लाइकली कॉज एस्फिक्सिया बताया गया है और हो सकता है कि कुछ और इंजरीज भी हों। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बुटीक चलाने का काम करता था, इससे पहले ये बुटीक रोहतक में भी चलाता था। सर ये अकेला ही था या कोई और भी साथ था? इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक फुटेज के हिसाब से यही अकेला ही आया है, बाकी इसमें और जो इसमें जो पैसे का लेन देन है और इसको लेके है रोहतक गया इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और काफ़ी टीम्स ने प्रॉम्प्टली एक्ट करके इसको बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व कर लिया। सर फैमिली ने शक जताया था इसके ऊपर या फिर सीसीटीवी से ही आप लोगों को ये सस्पेक्ट लगा था? फैमिली ने नहीं बताया था, जब वो बाद में जब रात को फैमिली ने बोला कि इनका 4-5 दिन से कोई ऐसे कृष्णानगर में कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही थी, इस तरीके की बात फैमिली ने बाद में बताई। सर किसी वेपन से मारा? नहीं ऐसा नहीं वेपन से। सर जो दुकान किसका था सर जो आप लास्ट में ये दुकान इन्होंने अभी ली थी जनवरी में इन्होंने ये दुकान ली थी और ये वहीं पे एक
राम प्रकाश कक्कड़ हैं, उनसे ये दुकान इन्होंने जनवरी में ली थी।